मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, देश के अंदर इन समस्याओं की जो जड़ थी, जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था और भाजपा का और जनसंघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, जहां हुई बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है, और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा, ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा उनका सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी, और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है, या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब,
अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। बहनों और भाइयों, आपने परसों देखा होगा रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ ना, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस किया। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। किसने वंचित किया था? ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं। और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जिन लोगों ने हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने बेटी और व्यापारी को सुरक्षित किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए उनको। अभी से बोलिए हम वोट देंगे जो देश के बारे में सोचेंगे, विकसित भारत के बारे में सोचेगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचेगा, ग्लोबल लीडर भारत के बारे में सोचेगा। और ये सोच मोदी जी ने दी है, हम भी देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और हमारा भी स्वर होगा, हमारा भी एक ही स्वर होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, है जो देश के अंदर का है, और वही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सहमत हैं ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार, सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना?